एस्केप। किसी एक गांव में एक गोलू नामक किसान रहता था। वह अपना गुजारा किसानी करके ही करता था। उसके चार बेटी भी थे जो कि गप्पे सप्पे मारने में लगे रहते थे। काम तो करते किसान अपना सारा काम करके घर पे आता है और खाना खा के लेट जाता है और सोचते सोचते वह सो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है वह काम के लिए निकल जाता है और काम करते करते वह थक जाता है और उसे एक ही चिंता सताती है। भगवान, अभी तो मैं जिंदा हूँ तब तो ये काम कर नहीं रहे हैं, मर जाऊंगा तो ये जिएंगे कैसे, हे भगवान इनका कुछ करो। तब किसान खेत से चला आता है और एक जगह बैठ के सोचने लगता है। तभी उसको एक आइडिया आता है और वह वहां से उठ के घर को लौट जाता है। फिर वह अपने बड़े बेटे को बुलाता है और उससे कहता है, सुनो, अपने खेत में खजाना है, तुम सब उसे खोद कर निकाल लो, जाओ सभी को बता दो। सुनो सब, पिताजी ने मुझे बताया कि अपने खेत में खजाना है, चलो खोद कर निकाल लेते हैं। तभी ये सभी खेत के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद खेत को खोदने लगते हैं। कुछ समय बाद खजाना तो मिलता नहीं है लेकिन सारा खेत खोद जाता है। ये सभी उदास होकर घर वापस आते हैं और अपने पिता से कहते हैं, पिताजी पिताजी, हमने सारा खेत खोद दिया लेकिन खजाना नहीं मिला, अब क्या करें? जब तुम लोगों ने सारा खेत खोद ही दिया है तो वहाँ कुछ फसल बो दो। तब चारों भाइयों ने मिलकर गन्ने का बीज बो दिया। कुछ समय बाद गन्ने का बीज बड़े बड़े पेड़ों में परिवर्तित हो गया और उसे काट कर चारों भाइयों ने मिलकर बेचा और जो उससे पैसा मिला उससे अपना गुजारा किए और अपने पिता के पास गए। मैंने तुम लोगों से झूठ बोला, वहाँ कोई खजाना नहीं बल्कि हमारा कठिन परिश्रम ही खजाना होता है। और इतना सुनते ही उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और वह खेती करके ही अपना गुजारा करते थे। नए नए बीजों को बोते और उनको काट के पैसा कमाते थे और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते थे।